हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट एसन रिएक्शंस के बारे में, जिसके दो पार्ट हम देख चुके हैं। आज है तीसरा पार्ट। दो पार्ट में हमने 8 रिएक्शंस कंप्लीट की, जाके उन वीडियोज़ को आप देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज तीसरा पार्ट हम देखने जा रहे हैं और आज है 9th नंबर की रिएक्शंस, जिसमें हम एसन मैकेनिज्म के थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें आपको पता एसन मैकेनिज्म है। और किसकी एसन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम? एल्किल हैलाइड्स की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। इसका मतलब एक रिएजेंट हमारे पास एल्किल हैलाइड होगा, दूसरा कुछ अलग होगा जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल्स मौजूद होगा। उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा एल्किल हैलाइड के ऊपर और हमारे पास हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान से कंसेप्ट है, देखते हैं बिल्कुल फटाफट से। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं, फॉर्मेशन। प्यारे बच्चों क्या देखते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एमीन। इसको दूसरे वर्ड्स में हम यू लिख सकते हैं, डी कंपोजिशन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया का अपघटन होगा और अपघटन होते होते एमीन्स का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एमीन्स। और हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इन सभी एमीन्स का मिक्सर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मिक्सर प्राप्त होगा। कैसे? इसके लिए हमें लेना है कोई भी एल्किल हैलाइड। क्या लेना है? कोई भी एल्किल हैलाइड जो कि हम लेंगे एक्सेस में। किस में लेंगे? एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों, आधिक्य। रिएक्शन किसके साथ करानी है? पहले बता दिया गया है कि सर NH3 के साथ करानी है, तो इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया है HNS2। आपको पता है यहां पर H और यहां पर अक्ष रिमूव होगा और बचा हुआ पार्ट आपके पास न्यूक्लियोफाइल्स बच चुका है, जिसका अटैक होगा यानी R के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन चुका है? RNH2। तो NH2 को फिर से मैंने यहां पर लिख दिया है ऐसे। ये इसलिए लिखा क्योंकि हमने R अक्ष लिया है एक्सेस में, यानी कि सभी R अक्ष क्या करेंगे, एक-एक हाइड्रोजन निकालते चले जाएंगे किसके, NH3 के, और बचे हुए NH3 के पार्ट को अपने साथ कनेक्ट करते चले जाएंगे। आगे देखो, फिर से हमने क्या लिया बच्चों? फिर से आरक्ष लिया, मौजूद था हमारे पास, आधिक्य में था। तो यहां पर क्या होगा? फिर से ये H इस अक्ष के साथ रिमूव होगा और ये R इस पार्ट के साथ, ठीक है, इस पार्ट के साथ कनेक्ट होगा। कनेक्ट किस प्रकार से होगा? इसका होगा यहां पर अटैक, एल्किल हैलाइड के ऊपर अटैक करना, इसका मतलब इसका यहाँ पर अटैक होगा, ना कि ये अटैक करेगा। अटैक कौन करेगा? NH वाला पार्ट। कौन? NH वाला पार्ट। ओके, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर बन चुका है एक R पहले से था, एक नाइट्रोजन पहले से था और क्या था, एक हाइड्रोजन इसके पास है अभी तक, और यहाँ पर अपने पास ये वाला R कनेक्ट कर दिया है। बच्चों याद रख लेना, ये है 1 डिग्री एमीन। क्या है? 1 डिग्री एमीन भी हमारे पास बन रही है। इसी के अंदर कुछ एमीन्स जो है वो डिवाइड होके बन रहे हैं। देखो इधर एक, और यहाँ पर कितने हो गए? 2 डिग्री हो चुकी है। ये बन चुकी है 2 डिग्री एमीन। इसमें से कुछ रिएक्शंस करेंगे और किसके साथ? R अक्ष के साथ। ये लोग R अक्ष के साथ, यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन मौजूद है प्यारे बच्चों, और निकल जाएगा और R के ऊपर फिर से ये अटैक करेगा और R को अपने साथ काउंट कर लेगा, जोड़ लेगा, ठीक है। ये लो, ये है 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ठीक है। लोन पेयर लगा देना, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद फिर से आपको बता, आरक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अब क्या हुआ बच्चों? हाइड्रोजन निकालने के लिए नहीं है, लेकिन आर को तो इसके साथ जुड़ना है, और ये जुड़े बगैर रहेगा नहीं, इसका मतलब काउंट करते जाना है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, R, क्योंकि 3 तो पहले से था, 1 इब यहाँ पर जुड़ गया है, ठीक है। और क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पर आ चुके, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुके, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव और अक्ष भी इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि अक्ष के पास बच्चों ये R अक्ष, इसके पास निकलने के लिए हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो यहीं पर पड़ा रहेगा और इसके ऊपर चार्ज रहेगा माइनस का। क्या रहेगा? माइनस का चार्ज। प्यारे बच्चों माइनस का चार्ज आएगा, बिल्कुल आसान सी कंसेप्ट। कई बार बोर्ड में क्या हुआ है, 3-3, 4-4 नंबर का क्वेश्चन बनाकर यहां से दिया गया है, बता रहा हूं आपको, बिल्कुल आसान है। उसके पहले आप इसका नेम मुझे बता दो, तो इसमें कितने एल्किल ग्रुप है? 4, तो क्या बोलेंगे? टेट्रा एल्किल, और टेट्रा एल्किल के बाद क्या लिखोगे? अमोनियम।
टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, ठीक है। और ये एक प्रकार का साल्ट है, क्या है, साल्ट है, इस बात को आप याद रखना। टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड जो है लास्ट में हमारे पास प्राप्त होता है। लेकिन यदि बच्चों आप यहाँ पर एक दिमाग लगाओ, यहाँ पर हमने आर अक्ष को एक्सेस के रूप में लिया, आधिके के रूप में लिया, यदि हमने एन एच थ्री को आधिके के रूप में लिया होता तो क्या बनता है, आइए इधर देखो, इधर ऊपर ऊपर देख लो, यहाँ पर आर अक्ष है, ठीक है, आर अक्ष का नाम है बच्चों एल्किल हैलाइड, क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है, रिएक्शन करवा रहे एन एच थ्री, लेकिन लेकिन क्या हुआ, यहां पर सर इस बार एन एच थ्री, यहां पर एक एच और यहां पर एन एच टू, ठीक है, ये है एक्सेस में, हमें क्या करना है, चीजों को फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी कवर करते चले जाना है, और इस बार हमें क्या कर देना है, इस बार सेलेक्ट हो जाना है और क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर R और एच अक्स रिमूव हुआ, और क्योंकि यहाँ पर एक ही एल्किल ग्रुप था, एक ही था, आधिक्य नहीं है, तो ये R के ऊपर एन एस टू क्या करेगा, अटैक करेगा, बिकॉज एन एस टू इज एन सॉरी इज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो R एन एच टू, ये है एक डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। इस रिएक्शन को समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप R की जगह, आप R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप जैसे CH3CH2 यानी एथिल एल्किल ग्रुप ले लो, और उसके बाद पूरी की पूरी प्रोसीजर यानी अक्स की जगह ले लो क्लो क्या क्लोरीन, और R की जगह ले लो CH3CH2 यानी एथिल क्लोराइड, लेके उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ पूरी की पूरी आप दोबारा करा के देखो, वीडियो को पॉज करके, आपको रिएक्शन तुरंत याद हो जाएगी। आ गई बात समझ में, याद रख लेना अटैक ये वाला कर रहा है इसके ऊपर, बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन इसमें मौजूद है, इलेक्ट्रॉनों की एक्स्ट्रा है, इसलिए ये अटैक कर रहा है, ठीक है, इसका आधिक्य है, तो बार बार अटैक होते जा रहे, अटैक होते जा रहे आर एक्स के ऊपर, और अलग अलग प्रकार के एमीन्स का मिक्सर हमारे पास प्राप्त होता है, लास्ट में हमें टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड प्राप्त होता है, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड हमें प्राप्त होता है। आ गई बात समझ में, आ गई होगी क्लियर कट, तो फिर ले लो इसका स्क्रीनशॉट या फिर उतार लो। तो बच्चों आपने फॉर्मेशन किया एमीन्स का, और अब बारी है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर की, यानी 10 नंबर की रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, कितने नंबर की, 10 नंबर की रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, और हमें क्या बनाना है प्यारे बच्चों, हमें बनाना है सर एस्टर, क्या बनाना है एस्टर, तो आप लिखो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन निर्माण ऑफ एस्टर, सर एस्टर का निर्माण कैसे होगा, बिल्कुल आसान है मेरे बच्चों, हमें एक रिएजेंट के रूप में वही आर अक्स या एल्किल हैलाइड लेना है, आर अक्स या एल्किल हैलाइड लेना है, और इसकी रिएक्शन करानी है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, सिल्वर साल्ट्स, सिल्वर साल्ट्स ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, तो यहां पे आपको मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या सिल्वर लवणों के साथ रिएक्शन करानी है, तो एक उदाहरण हम लिखते हैं जैसे कि CH3, ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOAG, तो ये सिल्वर और यहाँ पे हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मोनो का मतलब एक ही है, ठीक है, सिल्वर इसमें काउंट हो गया तो सिल्वर लवण होगा, क्या प्यारे बच्चों होगा, क्या होगा, यही कि सर एजी आ गया तो एजी कंपाउंड बनाता है, यहाँ पर एजी अक्स, क्या बनाता है एजी अक्स, एजी अक्स है तो सर एजी यहाँ पर क्या होगा रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद क्या बन जाएगा, देखो एजीसीएल आउट हो गया, बचा हुआ पार्ट ये माइनस ये प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करेगा, और करने के बाद इसके ऊपर अटैक करेगा, करने के बाद इसके ऊपर अटैक करेगा, तो बच्चों अटैक किया सर, अटैक अटैक किया, ठीक है, और अटैक करने के बाद इसके साथ क्या हो गया जुड़ गया, तो सी ओ ओ को यू लिख दे के अपन ओ आर, तो देखो आर सी डबल ओ आर, आर सी डब्ल्यू आर, सर ये तो एस्टर का ही फॉर्मूला है, एस्टर बन गया प्यारे बच्चों, साथ में बना है एजी अक्स, क्या बना है एजी अक्स,
इस रिएक्शन को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आर की जगह हम लेते हैं एथिल, आर की जगह हम क्या लेते हैं एथिल, जैसे CH3CH2। अक्स की जगह लेते हैं हम Cl और अपने पास वही सिल्वर साल्ट है CH3COOAG, ठीक है COOAG, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। आने के बाद बच्चों Ag जो है वो कंपाउंड बनाएगा विथ Cl, Cl के साथ कंपाउंड यहाँ पर बना, Cl के साथ कंपाउंड बनते ही AgCl आउट होगा, बचे हुए पार्ट न्यूक्लियोफाइल्स का इसके ऊपर अटैक होगा, अटैक होगा तो CH3CH2 यानी एक एल्किल ग्रुप CH3CH2 अपने आप में है ही ना एथिल, और इधर क्या है COO, और इस CO का दूसरा क्या हो गया CH3, दूसरा एल्किल ग्रुप। सर कहाँ तीन लगा रहे हो आप भी, तो बच्चों यहाँ पर क्या बन गया ये, इसका नाम है एथिल एसीटेट, क्या नाम है एथिल एसीटेट, या फिर आप इसको लिख सकते हो एथिल एथेनोएट, क्या लिख सकते हो एथिल एथेनोएट, दोनों ही इसके नाम है। वो तो आप जीओसी में पढ़े होंगे कि सर नाम किस प्रकार से हम दिया करते हैं, नाम किस प्रकार से हम दिया करते हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान सी रिएक्शन थी, याद ये रखना है आपको कि बस किसके साथ रिएक्शन करवानी है, फिर ये याद रखना है कि क्या बनाना है जो कि आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। पता है ये बनाना तो एस्टर में आपको पता है RCRR, इधर AR इसका, बीचों बीच में COO ले आना है, बाकी रटोगे तो रटने में दिक्कत है, काफ़ी कुछ चीज़ें हमें सीखनी होती है। फटाफट से बच्चों इसको उतार लो या फिर आप स्क्रीन शॉट ले लो। प्यारे बच्चों आपने एमीन का फॉर्मेशन किया, आज एस्टर का फॉर्मेशन किया, और अब तीसरे नंबर के ऊपर बारी आती है फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन की। अरे सर इसका नाम तो बहुत ज्यादा हमने सुना है, बहुत ज्यादा आपने सुना है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, और बस थोड़ी सी मैकेनिज्म इसमें फॉलो होगी ये मैं बात बोलूंगा, जो हमें काफी कुछ चीजें सिखाएंगी भी, रिवाइज भी होगी हमारी चीजें, और इंपॉर्टेंट तो है ही। चलिए चलिए सर दो बार काहे बोल रहे हो, इधर देखो क्या पढ़ना है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों इसमें रिएक्शन किसके साथ होगी, आरएक्स की रिएक्शन होगी बेंजीन के साथ, किसके साथ होगी बेंजीन के साथ। तो एक बार हम फॉर्मेट लिखते हैं, हमारे पास एक बेंजीन होगी, ये बेंजीन है, रिएक्शन एक रिएजेंट डेफिनेटली आरएक्स होगा, उसी के लिए हम एसन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। रिएक्शन किसकी मौजूदगी में करानी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो करानी है निर्जल यानी ड्राई AlCl3 के साथ, इसकी मौजूदगी में करानी है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इसको जो बोलेंगे अपन, तो ड्राई AlCl3 के साथ या उसकी मौजूदगी में हम एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन के साथ करवाते हैं, तो हमारे पास एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है, हमारे पास एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है, क्या होती है एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है, साथ में हमारे पास HCl या HX भी प्राप्त होता है, HX भी बनता है। लेकिन होता कैसे है उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, वही हमारे पास बेंजीन है, लेकिन इस बार बेंजीन थोड़ी छोटी होगी, और यहाँ पर हम ले रहे हैं RX का मतलब CH3 और Cl, ड्राई AlCl3, सॉरी ड्राई AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो आउट हो जाएगा इस बेंजीन में से, एक हाइड्रोजन आउट करके, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है आपको बताइए बॉन्डिंग में, तो उस बॉन्डिंग के हाइड्रोजन के साथ Cl आउट होगा और CH3+, क्योंकि इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस होता है, ठीक है। तो रिएक्शन में पढ़ेंगे कैसे होगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास CH3, वाट इसका नाम क्या है, कौन मुझे बताएगा, नाम कमेंट में लिख दो, वरना आपको नहीं आता है तो कमेंट में आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन सर हुआ कैसे ये, इतना आसान जैसा दिख रहा है उतना आसान ये है नहीं, जितना आसानी से दिख रहा है एच आउट हो गया और उसके बाद इसकी जगह ये सब चीज़ें जुड़ गई, उतना आसान है नहीं ना बच्चों, लेकिन बेसिक कंसेप्ट है तो उसके लिए सब कुछ आसान है, उसके लिए सब कुछ आसान है, वो सब कुछ यूँ कर सकता है कैसे, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो CH3Cl है, जो CH3Cl है वो ड्राई AlCl3, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि आपके पास है AlCl3, तो
इसके साथ ये रिएक्शन करेगा और अपना Cl इसको दे देगा, अपना Cl इसको दे देगा तो CS3 के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बचा हुआ Cl इस Al के साथ कनेक्ट होगा और क्या बन जाएगा AlCl4। अब क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो चुकी है, एक्सेशन हो चुका है, तो इसके ऊपर आ चुका है माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है नॉर्मली वो क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल होती है, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप एक से नॉर्मल सा सवाल पूछता हूँ, यदि सी एस थ्री प्लस इलेक्ट्रोफाइल है तो सी एस थ्री मूलक या रेडिकल ये क्या होगा, कमेंट में मुझे बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए आसान सा है हालांकि। तो बच्चों अब हमारे पास सी एस थ्री प्लस बन चुका है, इसका सी एल ग्रुप क्या हो चुका है आउट हो चुका है और इधर आ चुका है। अब आगे देखते हैं क्या होगा, ये सी एस थ्री प्लस, ये सी एस थ्री प्लस तो क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक थोड़ी कर रहा था आसान रिएक्शंस में, कौन कर रहा था न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ बेंजीन हुआ, कौन हुआ सर बेंजीन हुआ, इसका मतलब अटैक कौन करेगा बेंजीन, किसके ऊपर सी एस थ्री प्लस के ऊपर, मान लिया अटैक कर दिया और अटैक करने के तुरंत बाद क्या बना बस वो याद रखो आप, ये था इस प्रकार से अपने पास क्या था बेंजीन था, यहां पर अटैक किया सी एस थ्री और यहां पर आ चुका है H, क्या आ चुका H, लेकिन एक्स्ट्रा बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती, इसका मतलब यहां पर एक बॉन्ड तो टूटेगा, एक बॉन्ड टूटते ही यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, मैं इसके आगे की प्रोसीजर बता रहा हूं कि जो सी एस थ्री प्लस है यहां पर सी एस थ्री जो प्लस बना वो इसके ऊपर इसने अटैक या अटैक करके ये वाला ग्रुप इसके आगे बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर लिख देता हूं क्या मैं सी एस थ्री प्लस और प्लस में क्या है बेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर अटैक हुआ, अटैक करने के बाद या बेंजीन इसके साथ अटैक किया, आगे ये बना, आगे ये वाली चीज अपने पास बन रही है। अब क्या होगा देखो, इधर इसके ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो चुकी है, क्या हो चुकी है एक्स्ट्रा बॉन्डिंग यहां पर हो चुकी है, लेकिन बच्चों बेंजीन है और बेंजीन में प्लस चार्ज हो या कैसा भी चार्ज हो आप सोचो वो टिकेगा क्या, वो एक जगह टिकेगा नहीं, वो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए राउंडिंग करता रहेगा, घूमता रहेगा, जिसको बोलते हैं अनुनाद या रेजोनेंस, एरेनियम आयन का अनुनाद, ठीक है। तो क्या होगा ये बात भी आप समझ लो, अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि ये प्लस चार्ज यहाँ पर टिकेगा नहीं, इसको स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा इस बॉन्ड को तो यहाँ पर लाएगा और खुद इस बॉन्डिंग की जगह इधर आ जाएगा, ये सब जीओसी की चीजें हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर अभी एच मौजूद है फिलहाल, सी एस थ्री भी मौजूद है, लेकिन ये चार्ज यहाँ के बजाय अभी यहाँ होगा, ये बॉन्ड इधर था और ये बॉन्ड प्लस की जगह आ जाएगा, फिर से क्या होगा नीचे लिख दो, क्या मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर बेंजीन है, क्या है सर बेंजीन, ये पॉजिटिव, फिर क्या आएगा इस बॉन्ड की जगह लेगा, ये लो इधर आ चुका है तो बॉन्ड यहाँ पर आ चुका है, ये बॉन्ड पहले वाला ऐसे कैसे, ये यहाँ पर अपने पास H है, सी एस थ्री भी मौजूद है, मौजूद है, जैसे कि किसी क्राइम के वक्त कोई आदमी मौजूद होता है ना कि ये इस वक्त मौजूद है, उसी प्रकार से H ये सारा का सारा घटनाक्रम देख रहा है, क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है, दोस्त तो सी एस थ्री का है जो यहाँ पर आया है, छेड़खानी हो रही है बहुत ज़्यादा। अब क्या हुआ, अब H प्लस घूम घाम के वहीं आ गया बच्चों, H प्लस घूम घाम के वहीं आ गया, मामला वहीं पर आके अटक गया, तो क्या होगा वापस बाहर निकलना है इसको, तो अभी क्या होगा ये बॉन्डिंग तो इधर आने की कोशिश करेगी और H प्लस सॉरी प्लस साइन H के ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तो देखो इधर ये बॉन्ड इधर है, ये इधर है, ये बॉन्ड इधर आ गया और बॉन्ड इधर आने के बाद क्या हुआ देखो इधर क्या हुआ, सी एस थ्री पहले से मौजूद है, लेकिन 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 क्या हुआ इधर, ऐसा चाइन में बना देता हूँ ऐसा चिन्ह कि जो एच प्लस यहाँ पर आ गया तो एच प्लस बन गया और ये एच प्लस अब क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है रिमूव, एच प्लस यहाँ पर रिमूव हो गया, बॉन्डिंग इधर आ चुकी जो मैंने लिख दी, तो प्लस में एच प्लस आप यहाँ पर लिख सकते हो रिएक्शंस को पूरा करने के लिए, ठीक है लिख दिया आपने, लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, ये H प्लस वापस रिएक्शन करेगा AlCl4- के ऊपर, H प्लस रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद वापस अपना एक Cl लेगा और यहां से चलता बनेगा, एक Cl लेगा और वापस क्या करेगा यहां से चलता बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो इधर बच्चों, यहां पर वापस
AlCl3+HCl। तो इस प्रकार से तो बनता है HX का निर्माण और यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका किसका निर्माण, किसका निर्माण बच्चों, सर एल्किल बेंजीन का निर्माण जिसका नाम टोलुइन है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक अच्छा खासा हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड, उसके पहले आप इसको उतार लो। ये फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर को ठोकने में यही रिएक्शन हमारी मदद करेगी, यही कंसेप्ट हमारी मदद करेंगे क्योंकि हम किसी के भरोसे उठकर नहीं जाता। याद रखना आपको आपकी मेहनत ही विजय दिलाएगी, आपकी प्रैक्टिस ही विजय दिलाएगी, जो पेन कॉपी के साथ अभ्यास आपने किया है वही आपको विजय दिलाएंगे। वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना जो कि नॉर्मली तो जो सोल्जर्स के लिए कही जाती है कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास मैदान में पसीना बहाएंगे आपको उतना ही कम युद्ध मैदान में खून बहाना पड़ेगा। यहाँ पर भी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, पहले जितना पसीना हम बहा लेंगे लाइफ में हमें उतना ही कम परेशान होना पड़ेगा, रॉयल्टी के साथ हम उतना ही ज़्यादा जिएंगे जितना ज़्यादा आज मेहनत कर लेंगे। तो थोड़ा सा मेच्योर बने, समझदार बने, खुद का हित अहित समझे, फालतू की चीज़ों में ध्यान ना दें। तो अब करते हैं हम एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो कि नीट 2018 में आ चुका है, ठीक है, तो आप उसको कर दोगे। उसमें बिल्कुल सिंपल सा एक लॉजिक लगेगा, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हम लेने जा रहे हैं, ये आपके पास है CH3 CH2 CH2 Cl। इसकी रिएक्शन किसके साथ, ही एल्किल हैलाइड है, हमें रिएक्शन करवानी है वही बेंजीन के साथ, और साथ में मौजूद होगा यहाँ पर ड्राई AlCl3, ड्राई AlCl3 मौजूदगी में बनेगा क्या बच्चों, दो ऑप्शन। आपको क्या करोगे, नॉर्मल की सर Cl- रिमूव किया और ऐसे के ऐसे जोड़ दिया, दो ऑप्शन आपके पास में दे रहा हूं। पहला ऑप्शन तो CH2 CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH2 CH3। दूसरा यहां पर ऑप्शन आपको ये मिलेगा CH3 CH CH3। ये है बच्चों 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, ये क्वेश्चन नीट 2018 में आ चुका है, नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बता दो जल्दी से ऐसे बनेगा, बिल्कुल जिन भी बच्चों ने ये वाला लगाया है वो बच्चे गलत है आप, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, बिकॉज यहां पर क्या होगा, कार्बोकेटाइन जो यहां पे बनेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ ही बेंजीन जो है वो कनेक्ट होगी, अनस्टेबल के साथ नहीं होगी। और आपको पता है 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन। इसकी मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, ये बनेगा यहां पर, ये वाला यहां पर बनेगा, ठीक है, तो दोनों को ही हम एक वर्म के लिए मिटाते हैं और क्या बनेगा, सिर्फ वो चीज यहां पर लिखते हैं, यहां पर होगा CH3 CH2 CH2 नहीं CH, इसका नाम है क्यूमीन। क्या है इसका नाम, क्यूमीन, इसका नाम है बच्चों क्यूमीन। इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो वेरी, उसके बाद हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होगा, इधर देखना आप, ये CH3 CH2 Cl AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, थोड़ा बहुत इसका मैटर चलेगा और ये अपना Cl इसको प्रोवाइड करा देगा। जैसे ही प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर बन जाएगा अपने पास, बच्चों एक सेकेंड, एक और है CH3 CH2 Cl, ठीक है, इस प्रकार से है। तो यहां पर तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 आयन, कार्बोकेटाइन है, और प्लस में यहां पर बन जाएगा AlCl4-। ये सबसे पहले बन गया। अब बच्चों क्या होगा, ये वाला, ये जो क्या है आपके पास कार्बोकेटाइन, कार्बोधनाइन जो बना, इसके ऊपर अटैक होगा बेंजीन का। किसका अटैक होगा, बेंजीन का, लेकिन बेंजीन का अटैक डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं होगा, इसके ऊपर पहले पुनर्विन्यास होगा। क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा, जिसके तहत होगा क्या कि यहाँ का एक बॉन्ड, यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पर विन्यासित होगा और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पुनर्विन्यास होगा। मैं लिख देता हूँ CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3
थ्री, यानी कनेक्ट किसके साथ होगा ये मैकेनिज्म, पहले से बता दी अनुनाद होगा, अनुनाद होके एच निकल जाएगा बेंजीन से, ठीक है, बेंजीन इसके ऊपर अटैक करेगी और अटैक करने के बाद क्या होगा, इधर अटैक करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा CH3, जिसका नाम है बच्चों क्यूमीन, जिसका नाम है बच्चों क्यूमीन, जो कि नीट की 2018 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों ने गलती से ये कर दिया क्योंकि सिंपल कंसेप्ट उन्होंने रखा था। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहे, खुश रहे, हंसते रहे, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें यदि आपको अच्छा लगा है तो, क्योंकि आपका एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।